हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और मैं देखने वाला हूं इस वीडियो में नाजिया हसन का दिल की लगी कुछ और भी सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या वीडियो शुरू किया जाए। दिल को दीवाना करे मेरी खुद जा है, खुदा से दुआ है तू दिल जुदा ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे बोल। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। वाह। मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है तो दिल जुदा ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। परफेक्ट रोमांटिक सॉन्ग। बहुत ही कशिश वाला, बहुत ही कैची लाइन थी इसमें, बहुत ही प्यारे बोल थे इसके, एकदम रोमांटिक
फील वाला, बहुत ही रोमांटिक गाना था, बहुत ही मतलब हर प्यार करने वाले इंसान की दिल की आवाज़ कहें अगर तो कह सकते हैं कि उसके दिल में ये बोल ज़रूर छुएंगे अगर वो सुनेगा तो। जिसने किसी से मोहब्बत की होगी वो 100% इनके बोलों को ज़रूर सुनेगा, उसके दिल की गहराई में जाएंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही, वैसे तो सारी लाइन्स इसकी कैची थीं, ऊपर से नाज़िया की आवाज़ बहुत ही प्यारी, आवाज़ में इतना बहुत ही प्यारा गाना, मतलब जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने एक पोल डाला था उसमें, जिसने भी कमेंट किए थे तो उनके लिए थैंक्स जिसने मुझे सजेस्ट किया। मुझे आप बहुत से शायद इनके गानों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप कमेंट करते रहिएगा नए नए अच्छे अच्छे, मतलब तो आप कमेंट करते रहिएगा कि अच्छे अच्छे इनके और भी गाने हों तो उनके बारे में कमेंट करिएगा, नाम बताइएगा, लिंक भेजिएगा। तो इस गाने की बात करो तो नाज़िया की आवाज़ बहुत ही प्यारी, मतलब बाकी जो डिस्को वाले गाने थे उससे कहूँ तो मुझे ये वाला, मतलब आवाज़ तो सेम है उनकी लेकिन मुझे इसमें उनकी ज़्यादा मतलब पसंद आई आवाज़। ऐसा लगता है कि ऐसे ही गानों के लिए इनकी आवाज़ बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब फील हुआ गाने को सुनते सुनते। और इसके बोल भाई बहुत ही कैची लाइंस थी इसकी, बहुत ही आपको मतलब कहीं ना कहीं छू जाएंगी, आप सुनते जाओ, बहुत ही प्यार से बहुत ही मोहब्बत से चलता रहता है गाना। उसकी बात जो कुछ लाइंस आती हैं इसमें, जैसा कि इसमें कुछ लाइंस थी जैसा कि जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं वो हमसे मिला ना करे, तो बहुत ही मतलब एकदम टच करने वाली लाइंस थी। और इसके बाद एक और लाइंस आई थी, मतलब इसमें शायरी इतनी कमाल की लिखी गई है, बहुत ही कमाल का गाना लिखा गया है जिसने भी लिखा है। एंड आई डोंट नो हु इज़ द राइटर बिहाइंड दिस सॉन्ग, जो भी है बहुत ही कमाल की लाइंस लिखी हैं किसी ने भी। वो दिल ही नहीं है जो ना में मोहब्बत बा में वफा ना करे, तो ये लाइंस भी बहुत ही इसकी मतलब कैची थी, एकदम आप पकड़ लेते हो कि यार क्या कह दिया, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली लाइंस। तो ऐसी मुझे दो तीन जगह पर इसमें फीलिंग्स आई। वैसे तो वो नाज़िया के बारे में अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा गाना इनका, मतलब ये वाला गाना वाकई में बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही लव, एकदम लव सॉन्ग है आज के वक्त का लगता है अगर इसको सुना जाए तो। क्योंकि अगर इसको आज के टाइम पे रिलीज़ किया जाए या फिर इसको मॉडिफाई किया जाए, मतलब कुछ नया इसमें ऐड किया जाए आज के ज़माने का, तो कोई नहीं कह सकता कि ये लाइंस ये गाना के पुराने टाइम का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक। एंड नाज़िया इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने डिस्को दीवाने गाना गाया है, मतलब इसमें परफॉर्म करती हुई जैसे कि दिखाई दे रही हैं वो, तो लग ही नहीं रहा था कि वो गाना भी इन्होंने गाया है। क्योंकि इसमें और उसमें मतलब एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी इनकी देखने को मिली मुझे, और ऐसी चीज़ें ही टैलेंटेड बनाती हैं इंसान को, यही चीज़ दिखाती हैं हमें कि ये इंसान के अंदर, इस बंदे के अंदर या इस बंदी के अंदर इतना टैलेंट है कि वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है और वैसे भी कर सकता है, हर तरह से कर सकता है। मतलब दिल के लव वाले तारों को छेड़ देने वाला गाना था। तो आपको कैसा लगा गाना आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड करके शेयर ज़रूर करें सबसे। और कोई भी कमेंट या फिर क्वेश्चन हो या फिर कुछ सजेस्ट करना हो आपको तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और भी वीडियोज़ मेरे साथ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।